वो आपको देना है। आई थिंक मोर देन फैन यार, कि मुझको ना ये बहुत, मैं ख़ुद इस बात में बहुत मानता हूँ कि जो अपना काम होता है फिल्म में, तो खैर थोड़ा सा ओवर ड्रामाटाइज़ किया हुआ हमने कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सचमुच मुझे ऐसा लगता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मेरे बच्चों को बोलता हूँ लोगों की यार, ये काम से बड़ा कोई और हमारा दायित्व नहीं, हमारी कोई आई थिंक मेहनत से काम करना सबसे खुशी की बात है, और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, सालों से बिलीव करता हूँ, करता भी हूँ इस पर, मैं चलता भी हूँ इसी पाथ पे। सो जब मैंने इनका वीडियो देखा, इनकी शॉप के बाहर लिखा हुआ था, और कहीं ना कहीं पर हमारे दिमाग के अंदर ऐसा हो जाता है, हम जो ज़्यादा मतलब यू नो कि अरे ये वाला जो काम है मेरे लायक नहीं है, वो काम मेरे लायक नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में हर काम अगर ऐसा आदमी सोचने लगे तो दुनिया ही ना आगे बढ़े, तो हर काम जो है बहुत अहम है कोई भी हो। तो मैं भी फिल्मों के अंदर भी जो छोटे से छोटा काम है, मैं बहुत
गर्व से ये बात कहता हूँ, इसलिए नहीं कि ये फैशनेबल है, बट मैं सेट के ऊपर साफ़ सफाई भी खुद करता हूँ। मैं कपड़ा लेके पोछा मार दूँगा, झाड़ू मार दूँगा, घर के अंदर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरा काम है, वो मेरी फिल्म है। तो हर काम ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड होता है, उसमें ये नहीं है कि बड़ा काम है कि छोटा काम है, आई थिंक हर काम स्पेशलाइज्ड होता है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं पर किसी कोने में एक ऐसा इंसान है, और यही नहीं है, मुझे उम्मीद है बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो समझेंगे कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अगर आप वो करते रहें तो ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे जेन्युइनली, जब मैंने टीवी पे देखा था एक्चुअली ये पहले, फिर हमारी टीम ने बताया कि ये सचमुच ऐसा हो रहा है कहीं पर, तो मुझे बहुत आई फील वेरी टच्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी पीपल थिंक लाइक दिस। जी, और हमने देखा ये बहुत ही इमोशनल भी थे, और जब आपसे बातें की कि इन्होंने अपनी कुछ लाइफ भी शेयर किया, तो जब इस तरह से लोग मिलते हैं आपसे, आपकी जो फैन स्पेशली, तब क्या कुछ फील करते हैं आप? अमूमन जो मेरा काम है वो, उसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, सेट पे रहता हूँ, फिल्म की शूटिंग 10-12 घंटे होती है, फिर घर चले जाते हैं, तो मुझे जब भी ऐसा मौका मिलता है और उस मौके के अंदर कहीं पे ऐसा लगे कि कोई इंसान है जिसकी ज़िंदगी जो है हमारे काम के ज़रिए छू चुकी है, या कुछ उसमें यू नो कमर्शियल फिल्में होती हैं, हंसी मजाक होता है, एंटरटेनमेंट होता है, तो हम भी, या मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि कुछ ना कुछ किसी की ज़िंदगी कहीं पर बदल चुकी हो फिल्म को देख कर, तो मुझे अपने आप से ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कहीं पे कोई अच्छी बात आ जाए, कभी अब कई बातें सोची भी नहीं होती हैं, मतलब एक छोटी सी बात है, कभी कभी मैं लोगों से मिलता हूँ, कहते हमने शादी कर ली है फिल्म देख के, हमारे बच्चे ने ये जॉब कर ली, मैंने स्वदेश के बाद सुना था लोग जो हैं कई बार देश वापसी कर रहे थे कि हम यहाँ पर आके काम करेंगे, हॉकी लोग खेलना शुरू कर दिए, अभी फिल्में आई हैं दंगल वगैरह, इससे जो बच्चे हैं और प्रेरित होंगे, तो कभी कभार शायद हमको भी नहीं मालूम पड़ता कि हमारी फिल्म या हमारी एंटरटेनमेंट के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सुधार आ जाता है या बदलाव आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत टचिंग है। यूपी से हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, फैमिली को छोड़ के काम कर रहे हैं, और मैं दुआ करूँगा कि ये इंडिया के सबसे खूबसूरत जूते और मैं तो वर्ल्ड के बेस्ट शूज़ बनाना शुरू कर। जी 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 सर, फिल्म की अगर मैं बात करूँ, फिल्म की अगर मैं बात करूँ, फिल्म का टीजर आया, देन फिल्म का ट्रेलर आया, और जिस तरह से अब गाने, हर एक गाने लोगों की जुबान पर धमाल कर रहे हैं, और फिल्म 25 तारीख को हर चारों तरफ बस एक क्रिएट हुआ, अरे सर की फिल्म आ रही है, खान साहब की फिल्म आ रही है, गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर? क्या हम काफ़ी सालों से बना रही हैं फिल्म, इसको 2.5 साल लग गए, बीच में चोट लग गई थी तो 6-8 महीना उसमें नुकसान हो गया, और मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, राहुल ढोलकिया जिन्होंने ये बहुत पेशेंस से पिक्चर बनाई, और उनका अमूमन फिल्म बनाने का जो नज़रिया है वो बड़ा सीरियस और रियलिस्टिक है, तो फिल्म जो है मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि एक रियलिस्टिक जोन में है, और वो चाह रहे थे कि इस रियलिज्म की शादी जो हो थोड़ी एक पॉपुलर जोन से हो, तो गानों की वजह से या ट्रेलर की वजह से, और हमने वो सब चीज़ें हैं जो लोगों को अमूमन पसंद आती हैं, जैसा आप कह रहे हैं ट्रेलर पसंद आ रहा है तो बड़ी खुशी है, लैला लैला ज़ालिमा सब गाने, उड़ी उड़ी जाए बहुत अच्छा गाना है, वो मेरा फेवरेट गाना है, और क्योंकि फिल्म गुजरात में बेस्ड है तो और भी खुशी कि लोगों को वो गुजराती टच जो है फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये सब बातें जो हैं ये होने के बावजूद फिल्म की जो रियलिज्म है वो अभी भी इंटैक्ट है जैसा राहुल चाह रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी है 25 जनवरी को जब आएगी तो लोग जिनको पॉपुलर सिनेमा अच्छा लगता है होपफुली उनको भी अच्छी लगेगी, जो कभी कभार कंप्लेन करते हैं कि यार कुछ यार ऐसा ओवर द टॉप था ऐसा था, उनको भी सुलझावा एक थॉट लगेगा, और फिल्म के अंदर बातें अच्छी हैं, एक दो बातें अच्छी, हालांकि दुनिया ख़राब बूटलेगिंग के बारे में है, 85-95 के ज़माने में रैम्पेंट थी, लेकिन बातें अच्छी हैं इसके अंदर, एक इंसान जो अपनी बात पर बना रहता है, अपनी जो उसके एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उम्मीद है बाकी एक्टर्स का काम, नवाज़ का, ज़ीशान का, सब कुछ है उसमें, आई होप लोगों को अच्छी लगे, अभी यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर आप पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम? सर मेरा नाम श्याम बहादुर। श्याम बहादुर जी, श्याम बहादुर जी, कि आप जो है मोची का काम करते हैं, जूते चप्पल बनाते हैं, तो ये कैसा लगा आपको, कि कैसे मालूम पड़ा आपको कि खान साहब की ये फिल्म आ रही है, शाहरुख खान की ये फिल्म आ रही है? हमको ऐसा कुछ नहीं था, मैं टीवी में सीरियल देख रहा था, तो शाहरुख खान भाई का एक बातें आई ना, तो ये डायलॉग मारे ना, तो कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने मन में बैठा लिया, मैं किसी को कुछ नहीं बोला, बोला एक धंधे वाला मैं भी हूँ,
छोटा हो या बड़ा हो, ये भाई ने बोला जो बात बराबर बोला, हमको बहुत अच्छा रखा। तो रखे रखे मैं एक दिन संडे के दिन काम मीडियम हल्का होता है, बैठे बैठे कैसे करूँ, मेरे को लिखे पढ़ने के नहीं। मैंने एक बाजू वाले को पकड़ा, बोला भाई ये चीज़ कैसे होता है, बोला कहाँ, बोला क्या करने का, बोला ये चीज़ लिख लिख के मुझे बाकड़े में मेरे लिख दे। मैंने रखा, तो हर कोई आता मेरा कस्टमर आता है ये चीज़ पढ़ता है, बोला हर कोई पूछता है ये चीज़ तो शाहरुख खान ने डायलॉग कोई मारा है पीछे, बोला ये चीज़ तो मालूम है हमको, भाई ने बोला मैंने सुना मगर मन में बैठाया, मगर इसको करूँ तो कैसे करूँ, मैं किसी को तो बोल भी नहीं सकता हूँ। बोला एक काम कर दूँ, एक इसको बढ़िया से लिख के दे, मैं एक बैनर बनवा देता हूँ और तू अपनी दुकान में पूरा लगा ले। बोला ये लगाने के लिए इसको कितना क्या खर्चा आएगा ये सब मुझे मालूम है। बोला मैं अपना वो पूजा आता है ना तो उसमें बोलो बैनर में बनवा रहा हूँ, उसी के साथ में तेरा भी बनवा दूँगा, जब खर्चा आएगा उसको पचास दे देना। बोला चलो देखता हूँ, तो उसने बनवा के ले गया, मैंने लगा दिया। ये चीज़ पूरा सब लोग निगाह में आ गया कि मेरे पास आते हैं काम कराने वाले, सब देखते, कोई भी नहीं आता वो भी देखता है रोड के ऊपर। मुझे इससे नहीं लगा था कि मैं ये चीज़ अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, मगर मेरा अपने मन में ये सोचा था कि जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, कभी न कभी कन खासता ऊपर वाला सुन लेगा तो कहीं न कहीं नजर आ ही जाऊँगा। जी, तो कैसी मुलाकात हुई आपकी आज खान साहब से, किसने आपसे मिलवाया या कैसी मुलाकात हुई? मुलाकात तो भाई से बहुत अच्छा लगा, मिला एकदम अच्छे के साथ वादित किया, मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि हम मिलूँगा, मगर आज ऐसा दिन आया कि मेरी स्टूडियो में आके यहाँ भाई से मिलूँगा। अब मैं मिलने क्या कितना खुशी है मुझे, कितना प्रभाग्य है कि मैं कैसे बताऊँ कि मेरे अंदर कितना और रहा कि मैं मिल गया आज। जी जी जी। और आपने क्या कुछ बातें की, आपने उनसे कुछ पूछा भी? आपने उनसे पूछा, उसने जो भाई ने बताया मुझे हर बात उनका अच्छा लगा, मैं जो बोल रहा हूँ भाई को अच्छा लगा या ना लगा, मगर मेरे जो दिल में था मैंने बोला कि मैं किसी को कोई उन्होंने जो कहना था मैंने कह दिया, सब सुन भी लिए। जो अपनी दुकान से प्रयास किया था कि अगर मैं मिलूँगा तो एक छोटा से कार दूंगा, भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक ही बार आप पहनना, मगर पहनना हमारे हाथ की बना हुआ कला हमारा भी, क्योंकि छोटे धंधे से आज ये लाइन में आऊँ कलाकार हूँ, मगर मैं ये आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ कि और ऊंचा हो जाऊँ। आपका सब भाई का आशीर्वाद रहेगा, शाहरुख भाई का हो सकता है। अब आपने उनको जूते दिए, जूते उन्होंने ले भी लिए। जी सर। तो क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? बहुत कुछ बोला कि मेरे को बोलने कुछ नहीं आता, हमको इतना वो दे दिया सम्मान दे दिया तो मैंने आगे कैसे उसको बढ़ाऊँ, उनकी बातों का और कैसे ऊँचा मैं करूँ, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं ये बात भाई का जिसे ये चीज़ कोशिश करके इतना ऊपर लाया और वही जो बात अभी बोले हैं वो चीज़ को दिमाग में बैठाया हूँ, मगर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोचता सोचता मैं आगे बढ़ाऊँगा जो आप बोले हैं भाई, मगर करूँगा। इसके लिए अपना दुकान तो छोटा ही है, पारला में, पारला में रहता हूँ, उधर ही है सब कुछ है भाई, बाकी क्या बोलूँ। चलो बाकी थैंक यू सो मच।